हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आज मैं आप सबके लिए मेरे किचन में बनाने जा रही हूँ पनीर काठी रोल। बहुत ही कॉमन डिश है, बहुत ही पॉपुलर डिश है, बहुत पसंद की जाती है और हर जगह इजीली मिल जाती है। बट घर पर जब हम अपने हाथ से बनाकर खाते हैं उसका तो मजा ही कुछ और है, और जब बच्चों के या हस्बैंड के चेहरे पे स्माइल या खुशी आती ना तो और भी ज्यादा मजा आता है। इवन जो किचन में हमारी थकन होती है ना वो सब खत्म हो जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी यमी लगते हैं और बहुत ही इजी वे है, झटपट बन जाते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक बाउल, उसमें जाएगा एक कटोरी दही। अब इसमें डालते हैं बहुत सारे मसाले। तो सबसे पहले जा रहा है इसमें नमक, मैंने तकरीबन नमक लिया है यहाँ पर आधा चम्मच, और आधा चम्मच जाएगा काला नमक। उसके बाद डालेंगे इसमें एक छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स। अगर आपको ज्यादा पसंद है तो आप थोड़ा सा ज्यादा कर लीजिए। धनिया पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर डाल दिया है। क्वार्टर स्पून के करीब जाएगी हमारी हल्दी, कलर काफी अच्छा आता है इससे। आधा चम्मच जाएगा आमचूर पाउडर, आधा चम्मच कसूरी मेथी, और आधा चम्मच के करीब, आधा चम्मच से कम अजवाइन, थोड़ा सा हाथ से ऐसे मसल के उसे डाल देना है। क्वार्टर स्पून के करीब गरम मसाला, आधा चम्मच क्रश किया हुआ जीरा पाउडर, बड़ी अच्छी इसकी खुशबू आती है। चाट मसाला, ये भी आधा चम्मच डाल दीजिए। बेसन, दो चम्मच के करीब जाएगा बेसन, ये बहुत ही अच्छा बॉन्डिंग एजेंट है हमारा। चलिए ये हो गया। फाइनली डालेंगे इसमें नींबू का रस, तो मैंने आधा नींबू लिया है, रस डाल देंगे। अब इसका जो मेन इंग्रेडिएंट्स है ऑयल, दो चम्मच ऑयल डालना है। तो अब इन सबको अच्छे से मिलाकर एक अच्छा सा पेस्ट तैयार करना है। आप चाहे तो इसमें यहाँ पर फूड कलर डाल सकते हैं, मैं नहीं डाल रही हूँ। मोस्टली क्या होता है, मार्केट में फूड कलर डालते हैं, इससे थोड़ा सा देखने में अच्छा लगता है, बट जरूरत नहीं है इतनी ज्यादा। जितना हो सके उतना हेल्दी बनाए, फूड कलर है, केमिकल्स होते हैं, तो जहाँ पर जरूरत लगती है मैं वहीं पर यूज करती हूँ फूड कलर, अदरवाइज मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ। तो चलिए देखिए कितना अच्छा सा पेस्ट रेडी हो गया है, सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। देखिए यहाँ पे मैंने ली है प्याज और शिमला मिर्च। प्याज को मैंने इस तरह से लेयर में निकाल दिया है, इन्हें अच्छे से धोकर इसका पानी निकाल दिया था। अब इसमें जाएगा पनीर, क्योंकि पनीर काठी रोल बना रहे हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप ज्यादा डालें कम डालें आप पे डिपेंड करता है। मैंने तकरीबन यहाँ 150 ग्राम के करीब होगा पनीर वो लिया है। तो अब इन सबको करना है अच्छे से मिक्स, तो एक तरह का मैरिनेशन हो गया टिक्के का, और बड़ा ही मजे का लगेगा, काफी टेस्टी आएगा इसका जब इसे हम पराठे में इसकी स्टफिंग भरेंगे विद सैलेड के साथ, मजा आ जाएगा सच में खाने में। ये देखिए अच्छे से सारा मसाला जो है वो मिक्स हो गया है। अब हमें मैरिनेशन को रखना नहीं है, इसे हम डायरेक्ट डाल देंगे पैन में। यहां पर मैंने तकरीबन एक चम्मच के करीब ऑयल गरम किया है। अब इसमें जो हमारा ये मैरिनेशन है उसे डाल देंगे। सारा मैरिनेशन चला गया,
तो चलिए इसे हाई फ्लेम पे ऐसे ही बीच बीच में चलाते हुए इसे पकाना है। ध्यान रखिए हमें सिर्फ हल्का सा इसका जो मसाला है वो अच्छे से चिपक जाए, पनीर और जो कैप्सिकम है, अनियन है, उसमें डेस्ट ज़्यादा पकाना नहीं है, और ये जो इसकी थिकनेस अच्छी सी हो जाए। तो ये देखिए यहाँ पर हमारी जो स्टफिंग है पनीर की बहुत ही अच्छी से रेडी हो गई है, बड़ी अच्छी खुशबू भी आ रही है। यहाँ पे फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने देते हैं। जब तक ये ठंडा हो रहा तब तक हम अपने पराठे का जो आटा है वो गूंद लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 2 कटोरी आटा, इसमें जाएगा 1/2 चम्मच नमक। आप चाहें तो इसमें मैदा भी ऐड कर सकते हैं, बट मैं मैदा नहीं ले रही हूँ, थोड़ा सा हेल्दी बनाना है। और तकरीबन 2 चम्मच ऑयल, सबको अच्छे से मिक्स कर देना है ऑयल को। और नॉर्मल जैसे हम रोटी या चपाती का आटा गूंथते हैं वैसा ही आटा तैयार करना है। ऑयल हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए अच्छा सा सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। ये देखिए आटा हमारा बिल्कुल रेडी हो गया, बिल्कुल सॉफ्ट डो रेडी किया है। तो चलिए अब पराठे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए रोटी के साइज की लोई लेंगे, थोड़ा सा बड़ा रोटी के साइज, ये देखिए क्योंकि थोड़ा सा पराठा जो है वो बड़ा बनाएंगे। तरह से उसको थोड़ा सा हाथ से पहले बड़ा करेंगे। यहां पर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। तरह से पूरे में ऑयल लगा देंगे। अब यहां पर ये थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट करेंगे इस तरह से। अब इसे ऐसे बंद कर देंगे। फिर से इसे लोई करके ये देखिए ऐसे करने से देखिए ये भी इसे लेयर पड़ना शुरू हो गई है। थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है, लेयर्स पड़ जाती है, तो ये ज्यादा अच्छा लगता है खाने में। बेल लेंगे। देखिए जो रोटी थी वो पूरी रेडी है। हल्का सा मोटा रखना है, चपाती बिल्कुल पतली रहती है, थोड़ा सा मोटा रखेंगे। अब इसे दोनों साइड से अच्छे से कम ऑयल लगा के सेक लेंगे। ये देखिए एक साइड से सिक गया है, दूसरे साइड से इसको ऐसे सेकना है, इसमें लगाएंगे ऑयल। देखिए बहुत ज्यादा हमें ऑयल नहीं करना है जैसे हम नॉर्मली पराठे में करते हैं डालकर, सिर्फ हल्का सा स्प्रेड करना है ऑयल। चलिए एक साइड हो गया, दूसरे साइड इसी तरह कर लेंगे। फ्लेम को यहाँ पर थोड़ा सा लो कर देंगे। देखिए इस तरह से दबाते हुए इसको सेक लेना है, थोड़ा सा तेल यहाँ पे, थोड़ा सा ऑयल और लगाएंगे। अच्छा बाकी के जो पराठे हैं वो भी हम इन्हीं तरह से रेडी कर लेंगे, फिर उसके बाद इसमें स्टफिंग भरना स्टार्ट करते हैं।
देखिए मैंने अपने सारे पराठे जो है वो बिल्कुल रेडी कर लिए हैं, तो चलिए अभी हम बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे लिया है वेज मेयोनीज, तो डायरेक्ट इसी पे डालेंगे। आप ज्यादा चाहते हैं ज्यादा लगा लीजिए। और ये है मेरे पास यहाँ पर टमाटो केचप। अच्छा, अगर आप मेयोनीज या टमाटो केचप नहीं लगाना चाहते हैं तो ग्रीन चटनी लगा लीजिए इसमें। मैंने दो तरह की ग्रीन चटनी की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की है, मैं लास्ट में उसका दोनों का लिंक दे दूंगी। जो चाहे वो चटनी बना के लगा लें, और वरना खाली सॉस भी लगा सकते हैं, चिली सॉस लगा लीजिए, टमाटो सॉस लगा लीजिए, पूरी तरह से आप पे डिपेंड करता है, जो मर्जी आप वो लगाइए। तो चलिए यहाँ पर देखिए हमने पूरा अच्छे से स्प्रेड कर लिया है। अब इसमें डालेंगे स्टफिंग। अच्छा, भर भर के डालते हैं स्टफिंग, ताकि जितनी बार आप जितने बाइट लें हर बाइट पे फुल मसाला है। देखिए यहां पर मैंने लिया है पत्ता गोभी, गाजर और प्याज, जिन्हें मैंने काट कर अच्छे से धो लिया था, उसका पानी निकाल लिया है। अब ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा पत्ता गोभी, थोड़ा क्या आपको ज्यादा पसंद है आप ज्यादा डाल लीजिए, गाजर, प्याज, मैं प्याज ज्यादा डालूंगी क्योंकि मुझे ये सब चीजों में प्याज बहुत ज्यादा पसंद है। अब ऊपर से डालेंगे सॉस, आप चटनी लगा रहे हैं तो आप चटनी डाल लीजिए। अभी हमारा भरा भूरा बड़ा सा जो काठी रोल है वो रेडी है, तो चलिए इसे इस तरह से फोल्ड करते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर लिया है फॉल पेपर, नॉर्मल जो फूड रैपिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं किचन में वो पेपर है, उसे इस तरह से रखना है, इसको ऊपर ऐसे फोल्ड करना है। ये देखिए ऐसे फोल्ड कर दिया। ये हमारा फर्स्ट क्लास काठी रोल फुल स्टफिंग के साथ बिल्कुल रेडी है, तो बाकी के भी इसी तरह बना लीजिए। तो देखिए हमारे पनीर काठी रोल बिल्कुल रेडी है, खाने के लिए बहुत ही चटपटे, स्पाइसी, फुल फिलिंग, बहुत ही मजेदार है। और मैंने यहाँ पर साथ में बनाया है बच्चों के लिए पास्ता, सिंपल पास्ता नॉर्मल सा, और मैं जा रही हूँ बच्चों के आगे सर्व करने। आप भी लेट मत कीजिए, फटाफट से बनाइए, छोट से बच्चों को खिलाइए। तो फ्रेंड्स चलती हूँ मैं, दुआ में याद रखिएगा, मैं आपसे मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में एक नई यूनिक सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।